इंडस्ट्री में अभी एआई का गोल्ड रश चल रहा है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी कंपनीज ने एआई प्रोजेक्ट्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है। मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की एक कंपनी है एटलिक टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम सॉफ्टवेयर और एआई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। उसमें लास्ट फ्यू मंथ्स में ही हमने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स कन्फर्म किए हैं। अब ये जो एआई बूम है उसका फायदा एक जॉब टाइटल है जिसको मैक्सिमम मिलने वाला है, और वो है एआई इंजीनियर या तो फिर एमएल इंजीनियर। ये एक ही जॉब के दो डिफरेंट नाम है, एआई इंजीनियर और एमएल इंजीनियर। मेरी कंपनी एटलिक टेक्नोलॉजीज में मैं एआई इंजीनियर्स को हायर करता हूँ। मैंने पहले ब्लूमबर्ग और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज में काम किया है, तो मेरे खुद के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एक वीक बाय वीक स्टडी प्लान बताने वाला हूँ एआई इंजीनियर्स की स्किल्स, जो आप घर बैठे सीख सकते हो। इस स्टडी प्लान में मैंने बहुत सारे फ्री लर्निंग रिसोर्सेज और चेकलिस्ट को भी इंक्लूड किया है। मैंने स्क्रीन पे एआई इंजीनियर्स की ब्रॉड सैलरी रेंज बताई है। एग्जिट सैलरी आपको कितनी मिलेगी वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस, दूसरा लोकेशन, और तीसरा कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है। अगर कोई कंपनी आपको इतनी हाई सैलरी दे रही है, एआई इंजीनियर्स की सैलरी टेक्निकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो अगर कोई कंपनी इतनी हाई सैलरी दे रही है तो उसका मतलब है कि वो कंपनी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई रखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एआई इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई शॉर्टकट देख रहे हो तो ये वीडियो को अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 4 घंटे हर रोज स्टडी करना पड़ेगा फॉर 8 मंथ्स, और 8 मंथ्स के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग बेस सेटअप करोगे। उसके बाद जो कंटिन्यूस लर्निंग है ना, वो तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्टडी शुरू करने से पहले आपको ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि क्या ये जॉब टाइटल या तो फिर करियर मेरे लिए सही है कि नहीं। उसका आंसर पाने के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। एक, आपको क्या कोडिंग आता है या तो फिर आपको क्या कोडिंग में इंटरेस्ट है। दूसरा, आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है या तो फिर ऑलरेडी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। अगर दोनों का आंसर यस है ना, तो ही एआई इंजीनियर के लिए आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एआई इंजीनियर जो इंडस्ट्री में काम करता है उसको बहुत सारा कोडिंग करना पड़ता है और उसका मैथमेटिक्स भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज़ का आंसर अगर नो है ना, तो डोंट वरी, एआई इंडस्ट्री में बहुत सारे डिफरेंट करियर रोल्स है जिसमें ये सारी स्किल्स नहीं चाहिए। तो वो करियर रोल हो गए आपका एआई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई एथिसिस्ट या तो फिर एआई एथिक्स एग्जीक्यूटिव। ये सारे रोल जब आप परस्यू करते हो तो आप एआई इंडस्ट्री के बूम का फायदा उठा रहे हो। एट द सेम टाइम आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। इस रोड मैप में हम टूल स्किल्स और कोर स्किल दोनों की बात करेंगे। जितनी टूल स्किल्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि पाइथन और मशीन लर्निंग, उतनी ही कोर स्किल्स इंपॉर्टेंट है जैसे कि कम्युनिकेशन या तो फिर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। हम अपस्किलिंग के साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि आप अपना वर्क कैसे शोकेस कर सकते हो वर्ल्ड के अगेंस्ट में, और आप इसका यूज़ करके कैसे इंटरव्यू कॉल ला सकते हो और इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो हम लिंक्डइन, ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी, इन सब चीज़ों की भी बात करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर में डिफरेंस क्या है, तो मैंने ये बड़ी सिंपल इक्वेशन आपको दिखा दी। डेटा साइंटिस्ट के अंदर थोड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल डाल दो तो वो हो जाता है एआई इंजीनियर। ये है रोड मैप पीडीएफ जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 8 महीने स्टडी करना है, 4 घंटे हर रोज़, और दोनों टूल स्किल और कोर स्किल सिखाएंगे। बिफोर यू स्टार्ट स्टडी, आपको प्रॉपर रिसर्च करके फिगर आउट करना है कि आप कहाँ से ये स्किल्स सीख रहे हो। आइदर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो या तो फिर कोई ऑनलाइन कोर्स बाय कर रहे हो। आजकल मार्केट में बड़े स्कैम चल रहे हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं या तो फिर बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एआई टीचर्स आ गए हैं मार्केट में, जो कोई भी उठा के वीडियो बना देता है, कोई भी उठा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कोर्स पब्लिश कर देता है, और वो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं जैसे कि आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगी या तो फिर 24 LPA पैकेज मिल जाएगा। तो आप ये सारे स्कैम में मत फंसे। तो हमने ये थोड़े रिसोर्सेज दिए हैं यहाँ पे, तो उस रिसोर्सेज का यूज़ करके आप अपना रिसर्च प्रॉपर करें। तो एक ये है लिंक्डइन पोस्ट, जिसमें संदीप महेश्वरी जी ने जो स्कैम के अगेंस्ट में कैंपेन चालू किया था उसकी बात है। तो हमने पूरा बताया है कि आप स्कैम को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका पूरा एक वीडियो भी है। तो सबसे पहली फंडामेंटल चीज़ यही है कि आप स्कैम में मत फंसो।
अगर स्कैम में फंस गए ना तो बहुत सारा टाइम खराब होगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। लेट्स से आपने पूरा रिसर्च कर दिया, अब आता है वीक 1 और 2, तो इसमें आपको कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल सीखने हैं। अगर आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री है या तो फिर बैकग्राउंड है तो इस पोर्शन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर वो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स नहीं है तो एज अ एआई इंजीनियर आपके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपको बिट्स क्या होता है, बाइट्स क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, यू नो यूडीपी, टीसीपी, एचटीटीपी, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये सब पता होना चाहिए। और गुड न्यूज़ ये है कि एक फ्री कोर्स है खान अकेडमी, खान अकेडमी बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पर जाके आप ये वाला फ्री कोर्स कर दो। और इस फ्री कोर्स में सिर्फ 4 ही चैप्टर करने हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम। इस कोर्स में बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में समझाया गया है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस है और कोई पैसे भी नहीं भरने। एक बार आपके थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, वीक 3 और 4 में आपको पाइथन सीखनी है। पाइथन आपको पता ही होगा कि एआई में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन सीखना बहुत ईजी है दोस्तों, तो 3 और 4 वीक में आप बिगिनर्स पाइथन सीख रहे हो, एडवांस नहीं, सिर्फ बिगिनर्स, जिसमें सिर्फ इतने टॉपिक पे आप फोकस करो। और उसके लिए भी यूट्यूब में मेरी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, कोरी शाफर करके एक बंदा है बहुत अच्छा पढ़ाता है, उसका प्लेलिस्ट आपको जो भी पसंद आए, मेरी चैनल पे आपको देखना ज़रूरी है, जो भी प्लेलिस्ट पसंद आता है उसमें से आपको इतने ही टॉपिक सीखने हैं। आप सारे टॉपिक पाइथन में सीखने जाओगे तो शायद 3 साल लग जाए, इसीलिए आपको बहुत ही फोकस्ड लर्निंग करना है। सारी चीज़ें नहीं सीखने, सिर्फ इतनी ही चीज़ें सीखो और उसके बाद में आपको लिंक्डइन पे एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अब देखो, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पूरी टेक्निकल चीज़ें सीख जाए और उसके बाद में लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट करने बैठे। लिंक्डइन आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करेगा, तो इट इज़ अ मस्ट। लिंक्डइन इज़ लाइक ऑनलाइन रिज्यूमे, आपकी सॉलिड प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके लिए हमने एक ये चेकलिस्ट प्रोवाइड किया है, तो अगर आप ये चेकलिस्ट को देखोगे, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है सारा मेंशन किया है, तो आप ये चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए और ये चेंजेस करते जाए और बाद में ऐसे ऐसे करके चेक कर दीजिए। जब सारे चेक मार्क आपके हो गए होंगे उस टाइम पे आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक बन चुकी होगी। ओके, तो जब पाइथन सीख रहे हो तो पैरेलल में आप थोड़ा लिंक्डइन पे भी काम करो। तो हमारी जो 8 महीने की जर्नी है उसमें हम टेक्निकल चीज़ें भी सीखेंगे और थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल्स, लिंक्डइन, ये सब पे भी काम करते रहेंगे। आपका असाइनमेंट है आपको सारी एक्सरसाइज जो पाइथन प्लेलिस्ट था, अगर आप मेरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो मैंने पाइथन में बहुत सारी एक्सरसाइज भी दी है। देखो जैसे ये है एक्सरसाइज फंक्शन की, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में आप सॉल्यूशन पर क्लिक करके अपना सॉल्यूशन जो है मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हो। ओके, तो ये सारा असाइनमेंट है आपका, और आप जब भी असाइनमेंट फिनिश करो इस चेक मार्क को ज़रूर चेक कीजिए। देन कम्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एज एन एआई इंजीनियर्स आप स्केलेबल प्रोग्राम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप डिज़ाइन करोगे, तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको मेमोरी का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम जितने भी है वो यहाँ पे लिस्ट किए हैं। अगर देखो शॉर्टिंग की बात करें तो बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, 3 ही शॉर्टिंग सीखो तो इनफ है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में 10 टाइप के शॉर्टिंग फंक्शन है तो सब कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है। तो ये है सारे टॉपिक्स, उसको सीखने के लिए वंस अगेन यूट्यूब बाबा जिंदाबाद। यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब फ्री में है, तो यहाँ पे ये मेरा प्लेलिस्ट है, आप खुद कमेंट, ऐसा नहीं मेरा प्लेलिस्ट का मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन उसके व्यू देख लीजिए, उस पर कमेंट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्लेलिस्ट है जिसमें थियोरी सिखाते हैं, उसके बाद में कोड होता है, उसके बाद में एक्सरसाइज भी होती है, और मज़े की बात है ये सब कुछ फ्री है। अब आप अपनी जब लर्निंग जर्नी में हो ना, तो बहुत ऐसे टाइम आएंगे जब आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, उस टाइम पे आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए जिसमें मैंने तनुल सिंह का इंटरव्यू लिया था, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उन्होंने केगल का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपनी केगल पे रैंक बढ़ाई और उनको मशीन लर्निंग इंजीनियर की जॉब मिल गई। इन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी टिप्स शेयर की है इस इंटरव्यू में। ये स्टडी करते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और घर पे आके हर रोज़
अपने आप से ही सेल्फ स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी करके ये भाई साहब अभी ML इंजीनियर है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो टाइम मिलता है तो ये इंटरव्यू को ज़रूर देख लीजिए। एंड द असाइनमेंट इज़ टू फिनिश ऑल द एक्सरसाइजेस इन दैट प्लेलिस्ट, जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, तो आप एक्सरसाइज कर दीजिए। वीक 7 और 8 में आपको एडवांस पाइथन सीखना है। पहले बिगिनर्स पाइथन सीख लिया, उसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के फंडे क्लियर कर दिए, अब आता है एडवांस पाइथन। जब मैं ब्लूमबर्ग में था तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम लिखते थे जिसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट काफ़ी होती थी और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते थे, तो उसको फोर लूप में से लेट्स से उसको अगर आपको कलेक्ट करने हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स, तो जनरली मेमोरी का अपर लिमिट हिट हो जाता था। उस केस में हम जनरेटर यूज़ करते थे, तो जनरेटर, आइटरेटर, ये सब चीज़ें मैंने रियल लाइफ में यूज़ की है, तो मुझे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। तो आप ये सारी जो स्किल्स है, फॉर एग्जांपल लिस्ट कम्प्रीहेंशन से आप अपने प्रोग्राम का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का यूज़ करके आपके जो कोर है या तो फिर आपके जितने प्रोसेसर है उसके पावर को आप यूटिलाइज कर सकते हो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग के लिए। ये सारे कॉन्सेप्ट भी सेम प्लेलिस्ट जो मैंने बताया था उसमें अवेलेबल है, और मैंने देखो वीडियो के नंबर दिए है थे 17 to 27, तो 717 to 27 वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है। सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है तो वीक 7 और 8 में आपको AI के प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स जो है लिंक्डइन में उनको फॉलो करना चालू करना है, और वो जो भी पोस्ट लिखते हैं आप हर रोज ऐसा कीजिए आधा घंटा लिंक्डइन पे स्पेन कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम में टाइम पास कर रहे हो ऐसे रील देखते जा रहे हो तो करियर में कोई हेल्प नहीं होगी, लेकिन वही टाइम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा। तो देखो ये डालिया ने लू, ये बहुत अच्छी कंटेंट लिखती है, नितिन अग्रवाल दूसरे इन्फ्लुएंसर है, ये हेड ऑफ AI सर्विसेज है गूगल में, मेरी उनके साथ बात भी होती रहती है, तो ये जो पोस्ट लिखते हैं उस पोस्ट में ये AI के ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ये खुद अपनी टीम में AI इंजीनियर्स को हायर करते हैं, तो कुछ हायरिंग रिलेटेड जनरल बहुत ही अच्छी टिप्स ये देते हैं। मैं उनकी पोस्ट पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लिंक्डइन की बात करें तो इन इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने के साथ साथ आपको एंगेजमेंट भी बढ़ाना है, तो अगर आप उनकी कोई पोस्ट पढ़ रहे हो तो उसमें मीनिंगफुल कमेंट्स आप लिखिए। मीनिंगफुल कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि यस आई एग्री, ट्रू, ये जेनरिक कमेंट है। मीनिंगफुल कमेंट में आप अपने थॉट्स शेयर करते हो, आप एग्री करते हो उनके पॉइंट से और कुछ एलोबरेट करते हो, या तो फिर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। फ़ायदा ये होगा इससे कि अगर आपने अच्छी कमेंट लिखी है तो उसको अच्छा एंगेजमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल इस कमेंट को 155 लाइक्स मिले हैं, राइट, इस कमेंट को 11 लाइक्स मिले हैं। अब आप जिन लोगों ने लाइक किया उनको देखोगे ना, तो वो हो सकता है कि कोई AI इंजीनियर हो, कंपनी में काम कर रहा हो, या तो फिर कोई हायरिंग मैनेजर हो, तो आप उनका अटेंशन ग्रैब कर रहे हो। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छी अच्छी कमेंट डालते रहते हो तो आप ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है ना लिंक्डइन का, उसमें आप अपनी एक अच्छी ऑरा या तो फिर अच्छी इम्प्रेशन ओमिट करते रहते हो। उससे क्या होता है, कोई पर्सन है जैसे सौरभ वानीकर है, लेट्स से वो आपकी पोस्ट को कंसिस्टेंटली लाइक कर रहा है, और लेट्स से वो AI इंजीनियर है कोई कंपनी में, तो जब उनकी टीम में कोई रिक्वायरमेंट होगी या तो फिर लेट्स से आपको पता चला कि इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको रेफरल के लिए पूछोगे ना, तो ये खुशी खुशी आपका रेफरल देंगे। तो ये कनेक्शन बढ़ाने में ये जो कमेंट है ना, ये बहुत हेल्प करती है। मैं पहले ऐसा सोचता था कि कमेंट से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए, कंसिस्टेंटली 6 महीने पोस्ट कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। अब वन ऑफ द कोर स्किल्स थी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, तो आप अपनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाते हो, उसके लिए आप बिजनेस केस स्टडीज़ को देखना चालू करो। एक YouTube चैनल है थिंक स्कूल, जिसमें ये भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ पब्लिश करते हैं, जैसे अमूल ने कॉम्पिटिशन को कैसे बीट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो ये केस स्टडी में आपको डेयरी इंडस्ट्री है उसका नॉलेज मिलेगा, उसके साथ साथ में कुछ नंबर्स, कुछ एनालिटिक्स, कुछ स्ट्रेटजीज वो भी पता चलेंगे। इसकी वजह से आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एनहांस होगी। अब इसी सेक्शन के अंदर मैं एनकरेज करूँगा कि आप ऑनलाइन जो कम्युनिटीज़ होती है, जैसे कि डिस्कॉर्ड हो गया,
डिस्कॉर्ड पे बहुत सारी चैनल्स होती है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिसमें अगर आप जैसे पाइथन सीख रहे हो और पाइथन का क्वेश्चन है ना, तो वो क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हो और कम्युनिटी मेंबर आपको उसका जवाब देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड बेसिक्स का डिस्कॉर्ड सर्वर दिखाता हूँ जिसमें मोर देन 30,000 पीपल है। तो यहाँ पे कोई बंदा जैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको कम्युनिटी मेंबर्स हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आपको हेल्प फटाफट मिल रही है क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, अभी क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ठीक है। तो आपको कम्युनिटी की हेल्प देनी है। दूसरा आपका फ्रेंड है चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी का ज़रूर यूज़ कीजिए कोडिंग रिलेटेड कुछ भी एरर आती है तो उसका जवाब देने के लिए। अब कम्युनिटी में हेल्प लेना वो एक आर्ट है। आपको जैसे पाइथन आप सीख रहे हो, कोई एरर आ गई तो सीधा लोग क्या करते हैं पता है, एरर कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे कि कैन एनीबडी हेल्प। दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आप स्पून फीडिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आपकी एरर है, कोई बंदा थोड़े ना आपको स्पून फीडिंग करेगा। आप ऐसा लिखो कि मुझे ये एरर आ रही है, मैंने फलाना टीम का ट्राई किया लेकिन एरर सॉल्व नहीं हो रही है, कोई मेरे को डायरेक्शन दो। तो जब आप रेडीमेड आंसर नहीं मांगते हो और डायरेक्शन मांगते हो ना, तो 50 लोग ऐसे होते हैं जिनको इच्छा होती है कि वो आपकी हेल्प करे। तो मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट इस चीज़ पे लिखी थी, वो भी लिंक की है, तो आप लिंक्डइन पोस्ट में कुछ टिप्स दी है तो वो आप देख लीजिए। एज एन असाइनमेंट फॉर दीज टू वीक्स आपको एटलीस्ट 10 AI रिलेटेड लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट लिखनी है, ओके। तो कमेंट लिख गई, और आपको 3 केस स्टडीज थिंक स्कूल पे उसका लर्निंग लिख के एक डॉक्यूमेंट में लिख दो, और आप अपना फ्रेंड जो भी आपके साथ AI इंजीनियरिंग का स्टडी कर रहा है उसके साथ शेयर करो। एज एन AI इंजीनियर जब आप कोई कंपनी में काम करते हो तो आप यूजुअली टीम में काम करते हो, आप अकेले नहीं होते हो। तो दूसरे AI इंजीनियर होते हैं जो कुछ कोड लिखते हैं, आप उस कोड को मॉडिफाई करते हो, आप अपना कोड लिखते हो। तो ये सब कोलैबोरेशन करने के लिए आपको एक स्किल्स बहुत ही काम में आएंगी और वो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो अभी आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर है वो है गिट, और गिट के साथ साथ गिट हब है जो एक वेबसाइट है जो अंडरलाइंग गिट का ही यूज़ करती है। ऐसी दूसरी वेबसाइट है गिट लैब, गिट लैब और गिट हब दोनों गिट का ही यूज़ करते हैं। तो गिट और GitHub का नॉलेज आपको लेना है। GitHub काफ़ी पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। तो आपको ये सीखना है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो बेसिक कमांड होते हैं ऐड कमिट पुश स्टेजिंग एरिया ब्रांचेस, ये सारे टॉपिक आपको इन दोनों YouTube प्लेलिस्ट में से सीखने को मिल जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्चुअली रिलेटिवली ईजी कॉन्सेप्ट है। तो आप ये प्लेलिस्ट या तो फिर कोरी का जो प्लेलिस्ट है उसको रिफ़र करके इतने सारे टॉपिक सीख लीजिए। अब मोटिवेशन के लिए मैंने दूसरा एक वीडियो लिंक किया है। यहाँ पे एक पर्सन है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर टू डीप लर्निंग ट्रांजिशन किया था, उन्होंने सब कुछ सेल्फ स्टडी करके ही किया था। उनका जो सैलरी हाइक है वो ऑलमोस्ट 2x सैलरी हाइक हो गया था, काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो वंस अगेन जब आप सीख रहे हो और वेन यू फील डाउन, ये वीडियो देख लीजिए तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स भी मिल जाएंगे। अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एक सॉफ्ट स्किल सीखनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स। आप जब भी इंडस्ट्री में काम करते हो यू आर ऑलवेज प्रेजेंटिंग समथिंग। आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपना कोड प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके कॉलीग के साथ या तो फिर बिजनेस स्टेक होल्डर के साथ जब बात करते हो, तो उस टाइम पे आपको फंडामेंटल जो स्किल्स है प्रेजेंटेशन की वो आनी चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या तो फिर AI इंजीनियर मैंने देखे हैं जो सिर्फ टेक्निकल स्किल में ही फोकस करते हैं, सॉफ्ट स्किल में पता नहीं उनको सर में दुखावा हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई वो फोकस नहीं कर पाते। लेकिन ये देखो 20 मिनट का वीडियो है, डेथ बाय पावर पॉइंट, इसमें इस पर्सन ने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताई है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को आप कैसे डिलीवर करते हो। ये अगर आप सीख लो ना तो आई एम 100% श्योर कि आपका प्रेजेंटेशन एकदम रॉकिंग हो जाएगा। अब जो AI इंजीनियर जब मॉडल वगैरह बनाते हैं तो उनको डेटा तो चाहिए होता है, तो वो डेटा कई बार रिलेशनल डेटाबेस में होता है, और रिलेशनल डेटाबेस में से डेटा पुल करने के लिए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL का आपको यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए SQL की जो
ये सारी स्किल मैंने जो लिस्ट की है यहाँ पे वो आनी चाहिए। SQL सीखने के लिए इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, जैसे कि ये खान एकेडमी का एक कोर्स हो गया, या तो फिर W3 स्कूल्स पे भी बहुत अच्छा SQL का ट्यूटोरियल है। SQL बोल्ट करके एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे इंटरैक्टिव वे में आप देखो यहाँ पे क्वेरी लिखते जाओ और यहाँ पे डायनेमिकली ये रिजल्ट अपडेट करता है। यूट्यूब में मेरा एक वीडियो है SQL का पूरा, और बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाले हैं। तो आप SQL की स्किल इज लाइक मस्ट। SQL के फंडे थोड़ा क्लियर हो जाए उसके बाद में आपको ये असाइनमेंट पे काम करना है। असाइनमेंट क्या है मैं ये बताता हूँ। हमारी वेबसाइट codebasic.io पे हम हर महीने रिज्यूमे प्रोजेक्ट चैलेंज रन करते हैं, जिसके अंदर ये सब फ्री है बाय द वे, कोई चार्ज नहीं है। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, डेटा सेट, मेटा डेटा सब देते हैं, और लोग पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में हम विनर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आप ये प्रोजेक्ट चैलेंज में आप पार्टिसिपेट कीजिए। इस चैलेंज को हमने जब रन किया था तो ये जो आर्यन शर्मा है उनको फर्स्ट रैंक मिला था। अब यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको SQL में एक डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन बिल्ड करना है और आपको एक लिंक्डइन पोस्ट लिखनी है उस सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने के लिए। उस लिंक्डइन पोस्ट में आप अपना वीडियो प्रेजेंटेशन जो रिकॉर्डेड है वो यहाँ पे अटैच करो। ये वीडियो प्रेजेंटेशन आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप कोई कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो और बिजनेस स्टेक होल्डर के अगेंस्ट में अपनी इंसाइट्स प्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप ये सब प्रैक्टिस करते हो, लिंक्डइन पे डालते हो, लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग होते हैं, हायरिंग मैनेजर भी होते हैं, बहुत सारे AI इंजीनियर्स होते हैं, तो वो जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल को देखेंगे तो उनको आपकी जो पर्सोना है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंट कैसे करते हो, वो सब का आप एक अच्छा इंप्रेशन उनके दिमाग में छोड़ रहे हो। ये करने से आर्यन शर्मा को एक कंपनी में डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल चुकी है। आप आर्यन शर्मा की पास्ट लिंक्डइन पोस्ट जाके पढ़ लो, तो कोड बेसिस की ये जो चैलेंज की थी उसकी वजह से उनको जॉब मिली थी। तो ये जो लिंक्डइन में ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी जो स्प्रेड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रूवन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है और उनको जॉब मिल चुकी है। उसके बाद में वीक 12 में आपको NumPy, Pandas और डेटा विजुअलाइजेशन की जो लाइब्रेरीज है वो ही आपको सीखनी है। आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब या तो फिर सीबॉर्न, और उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर रिसोर्सेज डाले हैं। अब जो EDA है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो हम लेटर स्टेज में करेंगे। इस वीक में सिर्फ जो API है उसका थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो। अब जो SQL का जो था उसमें एक बात मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री लर्निंग रिसोर्सेज से नहीं सीखना है, जैसे आपको थोड़े पैसे स्पेंड करके आपको मोर स्ट्रक्चर्ड वे में, मोर हाई क्वालिटी मटेरियल के थ्रू सीखना है, तो मेरा एक SQL का कोर्स है। ये सारे रेटिंग बाय द वे ट्रू है, हमने कोई फेक रिव्यूज नहीं डाले, आप लोगों से बात भी कर सकते हो, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी लिंक्ड है। तो इस कोर्स में न कि टेक्निकल चीज़ें सिखाई गई है, इसमें हमने एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया है जिसमें क्लोज टू 500,000 रिकॉर्ड थे। और आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कैसे SQL का प्रोजेक्ट रन होता है उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग अलोंग विथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट वगैरह इसमें दिखाया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, अगर आपको पैसे स्पेंड नहीं करते हैं तो डोंट वरी, मैंने फ्री रिसोर्सेज भी मेंशन किए हैं। वीक 13-16 आप अपनी जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स की जो स्किल है उसको आप बिल्ड करोगे। डेटा साइंटिस्ट और AI इंजीनियर, ये दोनों जो करियर पाथ है, दोनों के लिए मैथ और स्टेटिस्टिक्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। डेटा साइंटिस्ट जो है उनकी स्टेटिस्टिक्स और मैथ की स्किल्स थोड़ी ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू AI इंजीनियर, लेकिन AI इंजीनियर को भी कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स तो होनी ही चाहिए। जो टॉपिक्स है वो आपको इतने टॉपिक्स सीखने हैं, मैंने सारे यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं, राइट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स टू लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस एट्सेट्रा। और ये सीखने के लिए एक खान एकेडमी का कोर्स है, स्टेट क्वेस्ट वेबसाइट है, या तो फिर 3Blue, 1Brown ये सारी वेबसाइट है, या तो फिर मैंने अपना एक कोर्स है उसको भी मेंशन किया है। और एक्सरसाइज में आपको ये दोनों असाइनमेंट फिनिश करने हैं। उसके बाद में वीक 17 में आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करोगे। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का मतलब ये कि जब भी ऐसे डेटा साइंटिस्ट या AI इंजीनियर आप अपना मॉडल बनाते हो
तो आप डेटा को पहले पुल करते हो, उसके बाद में डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ये सब करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप डेटा को एक्सप्लोर करते हो, तो उसकी स्किल्स होना ज़रूरी है। और इसके लिए आप यूज़ करोगे NumPy, Pandas, Matplotlib एक्सेट्रा। तो आपने पहले ऑलरेडी थोड़ी बहुत API स्किल्स सीख ली है। इसके अंदर आप क्या करोगे कि केगल जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है डेटा एनालिसिस का, आप उस पर जाओगे और वहाँ पर जाके जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस रिलेटेड जितनी नोटबुक है वो नोटबुक का आप स्टडी करोगे कि डेटा क्या है, लोगों ने क्या कोड लिखा है। बिकॉज बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका कोड भी आपको दिखता है, तो उनका कोड देख के आप स्टडी करोगे। और 3 डेटा सेट जो है उसके ऊपर आपको EDA करना है। इसके लिए आप दूसरे का कोड देख सकते हो, लेकिन जब असाइनमेंट आता है तब आपको 2 डेटा सेट लेने हैं। कोई भी डेटा सेट, हज़ारों डेटा सेट आपको केगल पे मिल जाएंगे, कोई भी 2 डेटा सेट ले लो और उस पर आप अपने तरीके से EDA परफॉर्म करो। वीक 18-21 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल आती है AI इंजीनियर के लिए, वो आप सीखोगे, और वो स्किल है मशीन लर्निंग। इसके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, प्री प्रोसेसिंग और मॉडल बिल्डिंग। आप ये सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन जो किए हैं देख लीजिए, मैं अभी उस पर सब मेंशन करके आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। लर्निंग रिसोर्सेस में YouTube में ये मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसके व्यूज़ या तो फिर कमेंट पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मोर देन 2 मिलियन व्यूज़ है पूरे प्लेलिस्ट के ऑल टुगेदर। तो ये प्लेलिस्ट में मैंने जितने वीडियो मेंशन की है, फर्स्ट 21 वो आप देख लीजिए। आप जब भी प्रोजेक्ट कोई करोगे AI का प्रोजेक्ट, तो उसके लिए आप कोई एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करोगे, जिसमें कानबान और स्क्रम, दीज आर द 2 पॉपुलर टेक्निक्स। उसके लिए भी मैंने थोड़े रिसोर्सेज मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्क्रम ट्रेनिंग सीरीज़ बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये सब सीखने में आपको टाइम नहीं जाएगा, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा आ गया तो आपको अपनी लाइफ स्मूथ बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब काम करोगे इंडस्ट्री में तो आप चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये सारे असाइनमेंट दिए हैं तो ये कर लीजिए। अब वीक 22 में आप ML Ops सीखोगे। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज में ML Ops इंजीनियर एक सेपरेट रोल होता है। तो अगर आप कोई बड़ी कंपनी में चलो हायर हो गए, आपका रोल है AI इंजीनियर, तो एक दूसरा बंदा होगा जो होगा ML Ops इंजीनियर। तो बहुत सारा ML Ops का काम है ना वो ही करेगा। लेकिन कई कंपनीज में ऐसा होता है कि छोटी कंपनी है ना, तो ML Ops का रोल नहीं होता, तो आपको एज एन AI इंजीनियर ML Ops का काम करना पड़ता है। और अगर बड़ी कंपनी में कोई ML Ops इंजीनियर है भी, तो भी ML Ops की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है। ML Ops इज सिमिलर टू DevOps इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जहाँ पे आप अपना जो मशीन लर्निंग मॉडल का जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करना ट्राई करोगे। तो जो DevOps होते हैं वो क्या करते हैं, CI/CD पाइपलाइन, कंटेनराइजेशन, डॉकर, कुबरनिटीज, ये सब का यूज़ करते हैं। बाद में वो API लिखते हैं, जैसे कि अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो और फास्ट API या तो फिर फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप एक सर्वर बना दो, और वो सर्वर को कोई भी क्लाइंट कॉल करेगा तो जो मशीन लर्निंग मॉडल का इन्फ्रेंस वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये सब स्किल्स थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है। AWS, Azure या तो फिर GCP, कोई भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका थोड़ा नॉलेज ले लो, आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़े लर्निंग रिसोर्सेज भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। वीक 23-24 में आपने जो मशीन लर्निंग और ML Ops का जो नॉलेज एक्वायर किया है उसका यूज़ करके आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट करोगे। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट मेंशन किए हैं यहाँ पे, एक क्लासिफिकेशन, एक रिग्रेशन। वो प्रोजेक्ट की लिंक जो यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, देखो यहाँ पे एक ये रिग्रेशन है, ये क्लासिफिकेशन है, तो वो आप कर दो। और वो सीखने के बाद एज एन असाइनमेंट, देखो यहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने, तो मॉडिफिकेशन करके प्रोजेक्ट करोगे तो एक तो सीखने को मिलेगा, प्लस आपका अपना यूनिक प्रोजेक्ट रेडी होगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, आपको इस टाइम ड्यूरेशन में ATS रिज्यूमे में बनाना है। ATS मींस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। कंपनीज जो है वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करके कैंडिडेट्स के जो रिज्यूमे आते हैं उसको फिल्टर करती है। जैसे एक जॉब पोस्टिंग है उसके लिए 100 रिज्यूमे आए हैं, तो वो लोग 100 लोगों का इंटरव्यू तो नहीं करेंगे, तो ATS का यूज़ करके 100 में से लेसे 60-70 ये लोग फिल्टर कर देंगे, बाद में 30 लोगों का ही ये इंटरव्यू देंगे। तो आपको मेक श्योर करना है
कि आपका रिज्यूमे ATS से फिल्टर ना हो जाए, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है और एक चेकलिस्ट भी दिया है। तो अगर आप ये चेकलिस्ट देखोगे, रिज्यूमे चेकलिस्ट, और उसमें हर एक पॉइंट में जाओ, चेंजेस करो और उसको चेक करते जाओ, जब सारे चेक मार्क आपने चेक कर दिए, उसका मतलब आपका रिज्यूमे ATS कंप्लायंट है। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होते हैं इंटरव्यू में, उनके पास एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, वो है उनका प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट। मैंने NVIDIA ब्लूमबर्ग में बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, मेरी अपनी कंपनी एथलिक में इंटरव्यू करता हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं खुद इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि आप अगर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वेबसाइट बना देते हो तो आपका सिलेक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल, ऐसी होती है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, ये सब मेंशन करोगे। तो एज एन इंटरव्यूअर अगर मेरे को क्वेश्चन है, चलो चॉन ML उसमें क्या किया था, तो उसका देखो यहाँ पे सारा डिटेल आ जाएगा। GitHub के कोड की भी लिंक होगी, देखो नीचे अगर जाओगे ना तो GitHub के कोड की लिंक होगी, तो उसका यूज़ करके मैं GitHub में जाके आपका कोड भी देख सकता हूँ। तो ये सारे फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके आप कर सकते हो। और ये रहे असाइनमेंट्स, आजकल LLM, ChatGPT ये सब बूम चल रहा है, ये बूम के पीछे अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग। तो आपको वीक 25-27 में डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। डीप लर्निंग में आता है न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, CNN, RNN, ये सारे न्यूरल नेटवर्क के अलग अलग आर्किटेक्चर है जो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। और न्यूरल नेटवर्क है वो एक फंडामेंटल चीज़ है, इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है, बहुत ही हाईली वॉच्ड प्लेलिस्ट, जिसमें थियोरी, एक्सरसाइजेस, कोडिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। डीप लर्निंग सीखने के बाद आप ये एक प्रोजेक्ट भी कर लो, जिसमें हमने एक पोटैटो प्लांट डिसीज डिटेक्शन का एक सिस्टम बनाया था, जिसमें एक मोबाइल ऐप थी, वो मोबाइल ऐप इस प्रोजेक्ट में हमने बनाई है। तो ये अगर आप ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो आप एक मोबाइल ऐप बनाओगे, ये मोबाइल ऐप का यूज़ करके कोई भी फार्मर अपने फार्म में जाके पोटैटो प्लांट का पिक्चर लेगा और ये बता देगा किस प्लांट में डिसीज है कि नहीं। अंडर द हुड ये कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, तो आप ये प्रोजेक्ट को करो और यू नो एज अ कस्टमाइजेशन इंस्टेड ऑफ पोटैटो इमेजेस, लेट्स से यू यूज इमेजेस ऑफ सम अदर प्लांट। वीक 28-30 में आपको आइदर NLP या तो फिर कंप्यूटर विजन सीखना पड़ता है। AI इंजीनियर इज लाइक अ डॉक्टर, ओके, जनरल डॉक्टर, लेकिन NLP इंजीनियर या तो फिर कंप्यूटर विजन इंजीनियर इज अ स्पेशलाइजेशन। मान लो कि लंग डॉक्टर हो गया या तो फिर हार्ट डॉक्टर हो गया, तो आपको इन दोनों में से एक फील्ड का आना जरूरी है। आइदर NLP सीख लो या तो फिर कंप्यूटर विजन सीख लो, दोनों सीखने की ज़रूरत नहीं है। NLP के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिस्ट किए हैं और साथ साथ में एक हाईली वॉच्ड प्लेलिस्ट है, तो आप ये भी देख लीजिए। उसके बाद में आता है कंप्यूटर विजन, उसके लिए भी हमने सारे टॉपिक्स वगैरह लिस्ट किए हैं। और ये रहा आपका असाइनमेंट वीक 31 एंड 32, जो लास्ट टू वीक्स है आपके 8 महीने की जर्नी। दोस्तों आपने बहुत मेहनत की है, अब सोचो लास्ट टू वीक्स है, उसमें आप मोस्ट एक्साइटिंग चीज़ें सीखने वाले हो, वो है LLM और LangChain। आजकल ये GenAI का बूम चल रहा है, ChatGPT, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो आपको अगर LLM एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए LangChain एक फ्रेमवर्क आता है जो इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है। आप कोई भी AI इंजीनियर की जॉब पोस्टिंग लिख दो, बहुत सारी जॉब पोस्टिंग में LangChain ये लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, थीके? तो ये सीखने के लिए भी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में। मैंने बताया ना, यूट्यूब बाबा है ना, उसके पास सारा नॉलेज है, तो यहाँ पे आप फंडामेंटल्स ऑफ LangChain सीख सकते हो। उसके बाद में हमने 3 प्रोजेक्ट किए थे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट दोस्तों, जिसमें एक में OpenAI यूज़ किया था, दूसरे में ओपन सोर्स मॉडल जैसे गूगल पाम वगैरह यूज़ किए थे। तो ये सब आप सीख के यूट्यूब बाबा के आशीर्वाद ले लो तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएंगी। और राइट, लेट्स से 32 वीक्स की आपने जर्नी ख़त्म कर दी, अब क्या? ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 8 महीने ये सीख लिया तो आप AI इंजीनियर बन गए। मैं खुद AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत टाइम से ये सब चीज़ें सीखता जा रहा हूँ, और ये सीखने की जो प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूस होती है।
तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करते रहना है। तो वीक 33 ऑनवर्ड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएं, आप लिंक्डइन पे अपनी ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनाएं, केगल में पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये सब आपको करना है। अब जब 8 महीने आप सीख रहे हो तो उसमें आपको इफ़ेक्टिव लर्निंग की कुछ टिप्स सीखनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि चलो न्यूरल नेटवर्क पढ़ना है तो एक वीडियो देखेंगे, बाद में दूसरा वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद वीडियो देखते ही रहेंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको जो कंजप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि वीडियो या ट्यूटोरियल देखना, उसमें कम टाइम स्पेंड करना है। आपको ज़्यादा टाइम जो लर्न किया उसको डाइजेस्ट, इम्प्लीमेंट और शेयर करने में स्पेंड करना है। तो लेट्स से 1 घंटा आप स्टडी कर रहे हो, उसमें 20 मिनट आप ट्यूटोरियल देखो, उसके बाद में रिमेनिंग 40 मिनट्स आप डिस्ट्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट में बैठ के जो पढ़ा है आपने उसको डाइजेस्ट करो। नोट एंड पेन लेके आप अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करो और इम्प्लीमेंट भी करो, कोड लिखो, इम्प्लीमेंट करो, तो आपका लर्निंग इफेक्टिव होगा। और एक बार कोड लिख दिया उसके बाद में आपके जो फ्रेंड है जो आपके साथ में सीख रहे हैं उसके साथ ये शेयर कीजिए। तो स्पेंड लेस टाइम इन कंज्यूमिंग, स्पेंड मोर टाइम इन डाइजेस्टिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड शेयरिंग। अब ग्रुप लर्निंग है, वो भी एक अच्छी टिप है। आप मान लो जिम में जा रहे हो, अकेले जा रहे हो तो मोटिवेशन नहीं होता है, लेकिन 2-3 अच्छे दोस्तों के साथ जाओ तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। सिमिलरली आपको कुछ फ्रेंड्स ऐसे बनाने हैं जो आपके साथ साथ AI इंजीनियरिंग की स्किल सीख रहे हो। इसके लिए अगर आपके कॉलेज में या तो फिर आसपास में कोई फ्रेंड नहीं है तो आप कोड बेसिक जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसके अंदर पार्टनर एंड ग्रुप फाइंडर करके एक चैट है, ठीक है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि चलो मेरे को डेटा साइंस सीखना है, AI सीखना है, anyone wants to partner with me, तो यहाँ पे लोग ग्रुप बनाते हैं। तो ये ग्रुप बनाने से आपका जो लर्निंग है वंस अगेन बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, दैट्स इट। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये रोड मैप को फॉलो कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। ये रोड मैप बनाने में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, मेहनत लगी है। तो ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको उसको थम्सअप कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक्डइन में जाके आप एक पोस्ट भी लिख सकते हो कि मेरे को AI इंजीनियर बनने का ऐसा रोड मैप मिला जो मेरे को यूज़फुल लगा है। अगर किसी और को सीखना है तो यू जस्ट शेयर, सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो और लोगों के तरफ पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।